पूरी हो गई है भैया ख़त्म, नहा लिया है और अब थोड़ा बाहर घूम घाम के आते हैं और कल तो पार्टी होने वाली है काफ़ी। क्यों रोहन, और क्या, फाइनली आर्किटेक्चर से छुटकारा मिल चुका है, चेहरे पे छुटकारा दिख रही होगी। और अभी बाकी कुछ लोगों का सेमिनार कल है तो उनके लिए अभी दुआएं मांग रहे हैं उनका कैसा जाएगा वो सब अपडेट करते हैं। और अभी तो जा रहे हैं बहुत, एक इधर बच गया क्या चल रहा है, और अभी जा रहे हैं एक हमारी बहुत ही काम कर रहे हो खास मित्र से मिलने। ये देखिए कितने खुश हैं। अबे मुझे लग रहा है कोई काम कर रहा है, तू तो हाईलाइट देख रहा है मैच की। हाँ काम कर रहा हूँ मैं। जिंदल तेरा कल है ना, तो कैसा अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा, जब रात होएगी और सब लोग बिजी हो जाएंगे काम में तो एंजाइटी होने वाली है। और क्या जैसा आज सबका रहा, मतलब ज्यूरी ने जो रिस्पांस दिया उसके हिसाब से क्या तो लग रहा है? तो फर्क ही नहीं पड़ता। और बुंगला जी, आप ज्ञान की बात है, बुंगला जी ऐसा है कि सही समय सही नहीं है इस चीज़ का ज्ञान के लिए भी समय सही नहीं है, गान फटी हो तो फिर ज्ञान तो नहीं निकलता जी जी बिल्कुल सही। तो भाई मेरा सेमिनार आज ही ख़त्म हो गया है और मेरे ये खास मित्र इनका सेमिनार कल है, जो कि अभी गेम खेल रहे हैं। और ये जो हमारे बुंगला जी हैं, जो जिनके साथ हम हमारा एक डेली सेशन रहता है ज्ञान की बातें विद बुंगला जी, तो वो कह रहे हैं कि फटी में कोई ज्ञान का स्कोप नहीं है, तो अभी समय थोड़ा गलत है। तो कल फिर आएंगे इसी हर्ष और उल्लास के साथ और बुंगला जी से पूछेंगे कि आपका सेमिनार कैसा रहा। तब तक के लिए जिंदल दम लगा के जय भद्रकाली। अरे अभी जाके देखते हैं बाकी लौंडे और क्या कर रहे हैं, देखते हैं भाई अब ड्रैगन ड्रैगन का क्या सीन है। हमारी तो हो गई है, अब हमारा तो यही धंधा है फुल टाइम व्लॉगिंग। हाँ ड्रैगन, तो थीसिस कहाँ हो रही है? भाई थीसिस यहाँ हो रही है ES04 और यहाँ पे भाई बहुत सारे दिन लगे हुए हैं, बहुत जगह काम बटा हुआ है। फिर देख सकते हैं भाई, बता अपना नाम, बता क्या है तेरा नाम? मैं वंश अग्रवाल, सेकेंड ईयर से, और यहाँ पे स्केचअप पे मॉडल बना रहा हूँ, अभी मॉडल इंसर्ट कर रहा हूँ सर का। देखो ऐसा है, अब ये देखिए आप तलोत्रा जी से मिलिए, ये हमारे बिल्कुल स्किल्ड, बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्किल्ड लौंडे हैं और नहीं है इनके, इनके बिल्कुल स्केचअप मॉडल में ऐसा बना देते हैं कि बिल्कुल आसमान भी पानी में रख देते हैं। ये हमारे CSD हैं, दी टैलेंटेड दी क्रिएटिव बॉय। और भाई इंट्रो दे दो अपना भाई निखिल। हेलो, दिस इज निखिल तिवारी। आराम से भाई, सही नहीं हो गया सर? और भाई ये हमारे टैग प्लान में रेस्टोरेंट डिजाइन कर रहे हैं भाई, भाई। ये देखिए देखिए, कैमरा वर्सेस कैमरा, दिस इज यूट्यूबर रोहन कुमार, योर फेवरेट यूट्यूबर रोहन कुमार, योर फेवरेट यूट्यूबर रोहन कुमार इज हियर एंड योर फेवरेट शेफ मिस्टर ड्रैगन गर्ग। तो अब गाइस इनको बहुत डिस्टर्ब कर लिया है और इसी डिस्टर्बेंस के साथ अब आगे बढ़ते हैं किसी और को डिस्टर्ब करने। वर्मा जीरी कैसी थी? बिल्कुल हजीला सर जैसी। हजीला सर जैसी मतलब? सुनना ही नहीं, मतलब सुना नहीं उन्होंने कुछ, और क्या मतलब, ना हमें सुनने को मौका दिया ना वो खुद सुन रहे थे। तो बोल कौन रहा था? खुद। The next day. और भाई क्या सीन है? आईटी को भाई लौंड, ओए डलोतरा ओए उठ जा ओए भालू साले, ये करो सोते हुए। हेलो भाई, अब हो गया है यार, बाहर आओ ओए, निकलो भाई निकलो भाई, निकलो इस चेंबर से, ड्रैगन के डंजन से बाहर निकलो। फाइट भी नहीं करा मैंने, कहा भाई ठीक है और क्या, बोल ले तू, बोल ले कुछ हो ले। साले वंश तू बीच में आ गया था ज्यूरी के, ठीक रहा था चलाए और डालो ए, की सोच रहा है? नींद आ रही है बहुत तेज, बहुत तेज। जल्दी बताइए, काम काफी सारा बचा है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, थक गए हम, थक गए। फट चुकी है? फट चुकी है बिल्कुल। चेयर तो भाई अभी क्या सीन है? अभी बस जितना हो सके समेट लेंगे, जो करना है कर लेंगे, सुन लेंगे बीबीएन की बातें, अजेला की लाते सब खा लेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कुछ कुछ लौंडों की थीसिस बची है और एक हमारे अजीज मित्र हैं जिंदल जी, जिनकी थीसिस अभी चल रही है, वो बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि उनकी थीसिस कैसी गई, उनका इंटरव्यू लेंगे। और तब तक देखते हैं कि अभी इस कमरे में क्या हो रहा है। ड
डर काफ़ी लग रहा था, पर शायद उनको पता नहीं कुछ कुछ खाना खा के, जब खाना खा के इंसान का मन शांत होता है तो ऐसा लगता है कि उनको चल जाता है, मतलब रहम खा जाते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग उनको लगा कि शायद मुझे थी, इसलिए भी शायद शांत हो गए पहले ही रहे। बाकी ऊंचे स्वर का उपयोग नहीं किया गया, वही सबसे बड़ी हमारे लिए बड़ी बात है। तो मतलब फेल नहीं हो रहे हैं, फेल नहीं हो रहे, लेकिन वो नोट कर रहा था कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो वो उसकी वो गिनती कर रहे थे। तो मार्क्स में टैलेंट होता है, फीडबैक और मार्क्स में ऊपर नीचे हो सकते हैं। पार्किंग के लिए तो बोला ही था, पार्किंग कैसा रहा, कैसा रहा, कैसा गया? मेरी ठीक गई है। आशु की अच्छी पीपीटी के पीछे थ्योरी है, ठीक है, जब आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होता है। पिछली बार जैसा हमारे सहपाठी हाथ डाल रहे हो, अरे जैसा हमारे सहपाठी ने कहा कि खाना खाने के बाद उनको रहम आ गई और उनने मतलब पेट भर गया तो अच्छा लग रहा था, एकदम उल्टा हुआ था हमारा पिछली बार जब हम खाना खा के आए थे और बोलने का हमें मौका तक नहीं दिया, जो हमें मोड़ा गया उसके बाद हम खड़े नहीं हो पाए। बूढ़े लोग थे ना, खाना। हमने देखा कि आज हमारे मित्र मिस्टर जिंदल की थीसिस बहुत ही अच्छी गई है, देखी स्माइल देखी चेहरे, ओह अरे रे रे रे, तो फेल होने का कोई वो नहीं है, फेल होने का कोई सीन नहीं है, सात तो आ जानी चाहिए। हाँ तो ग्रेड बहुत अच्छी लगने वाली है। अब एक बार बताओ, जो सात लगेगी उसका करो क्या? उससे ये होगा कि सात से नीचे नहीं जाएगी सीजी। और उससे क्या करोगे? उससे अगर कहीं बाद में मन कर गया MBA करने का तो फायदा हो सकता है। देख रहे हो मतलब लौंडे, अरे यार कितना, जब साढ़े सात में क्या सात आगे नहीं सोचते रहोगे क्या भाई? लाइफ में आगे का सोचना बहुत जरूरी होता है भाई, पहले का तो सुनते ही नहीं, कुछ भी नहीं सुनते भाई। गाइस कुछ भी कर, ये देखिए आज गंदी फोटो आ शक्ल आ रही है भाई, ये तो बता दो ड्रैगन सर, आज हमारे प्यारे ड्रैगन सर की थीसिस बहुत सक्सेसफुली डिफेंड हुई है और ज्यूरी ने एकदम दम भर तारीफ करी है, तो उस खुशी पे हम तेरी जुबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है, अपनी पावर को मत भूल, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा, अपनी सोच, इतना गुरु ठीक नहीं सूर्या।